Hello everyone, this is Ashish Jain. This is another video on income tax return. देखिए हम जितने भी प्रैक्टिस करेंगे इसके जितने n नंबर ऑफ एग्जाम्पल करेंगे यू विल हैव मोर क्लैरिटी एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू विल डेफिनेटली आस्क इन द लाइव लेक्चर. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. आई नो वेरी वेल कि स्टूडेंट कहाँ पर जो है उनका मेन जो प्रॉब्लम अराइज होती है कहाँ किस पॉइंट पे आती है. सो मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं उसको यहीं पर ही यूट्यूब चैनल के थ्रू उसको सॉल्व कर दूँ. बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस पर कमेंट भी ले देता हूँ. जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उसमें एक छोटा सा पॉइंट जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी दैट इज़ रिलेटेड टू गिफ्ट. वहाँ पर जो गिफ्ट का अमाउंट था दैट इज़ 74,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड दैट टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल नॉट द डिफरेंस अमाउंट. दैट इज़ वहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा गिफ्ट है वो 74,000 आएगा इंस्टेड ऑफ 24,000. ठीक है, तो मैं वो वही पॉइंट मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा. सो यू नो वेरी वेल लाइक बिफोर फाइलिंग रिटर्न द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू क्वेश्चन वेरी केयरफुली सो दैट हम सबके माइंड में एक ब्लू प्रिंट बन जाए कि हमको करना क्या क्या है. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस द क्वेश्चन. Generate income tax return from the following data given below. Particulars of the assessee: name Ram Singh, father's name Amar Singh, PAN, date of birth kya hai 7/7/1986. That is, this person is not a senior citizen. Address, mobile number, email, residential address, ROR hai, and he was in India for 310 days during the previous year 1920. Now return to be filed under which section? That is 139(4). That is belated returns. That means this assessee basically filing return after the due date. That means he will pay some penalty. So when we actually click on calculate tax at the end, then you will see that there is a sum or there is a penalty that will be added to the tax liability. जब हम करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा. देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर टाटा ओवरसीज कंप्यूटर लिमिटेड. पैन एज एम्प्लॉयर डायरेक्टर नेल. शेयर होल्डिंग इन अनलिस्टेड कंपनी नेल. नेम ऑफ द बैंक दैट इज SBI. ओनली वन अकाउंट ही हैज. ओके, रेस्ट इज फाइन. नाउ कम टू द मेन पार्ट दैट इज इनकम डिटेल्स. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. बेसिक सैलरी 86 लाख. HRA एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स दैट इज 9,000. Chargeable to tax 20,000. Leave salary fully taxable 6,000. Conveyance allowance amount received 12,000. Amount exempted under section 1014 that is 11,000. LTC received from employer 34,000. And this whole amount is taxable, is exempt under section 10(5). And then children education allowance fully exempt again 10 under section 1014 that is 2,400. So this section is okay. Move to next, that is income from house property. Rent is receiving rent from the tenant that is 21,40,000. Municipal tax 80,000. Interest on borrowed capital on renewal of the property that is 5,10,000. Okay, this is fine. But class, you just need to go understand one thing here. आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा दैट इज विच ITR यू नीड टू फाइल दैट इज इधर 1, 2 और 3. सो मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में IT2 है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर आपकी जो इनकम है देखो 50 लाख से क्रॉस हो रही है. ठीक है, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेविंग बैंक इंटरेस्ट 1,32,930. Received jewelry from a friend as gift, market value 80,000. That means now this whole amount will be taxable in the hand of assessee, 80,000. Winning from lottery, net of TDS that is 30%. That means this amount is after deducting tax. Then that means this 35,000 is 70%. And we need gross amount. So gross amount kitna hoga? 50,000. Then investment expenditure made by assessee. Towards PPF that is 1,10,000, NPF 20,000, medical insurance premium of father-in-law and mother-in-law, both senior citizen 40,000. You know very well under section 80D, SSC को जो 80D के अंदर जो deduction मिलती है वो किसको मिलती है?
तो इसमें फादर इन लॉ मदर इन लॉ तो में नहीं आते, ठीक है, फैमिली में नहीं आते, मीन्स फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आते इनकम टैक्स अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये 40,000 की 40,000 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। देन एनएससी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 जैन 2017, दैट इज 25,000। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट कब की है? जैन 2017 में, दिखा कब रहा है वो? 2019 में। तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर 19 लिखा होता तो हम मानते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2017 की दी हुई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखिए, जिस साल इन्वेस्टमेंट करते हो उसी साल की आपको डिडक्शन मिलती है, 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की है उसकी अब क्यों मिलेगी, ठीक है। सो ये आपको कंफ्यूज कर दिया हुआ है, वी विल दिस वी विल नथिंग टू डू विद दिस अमाउंट, ठीक है, सो वी विल इग्नोर दिस अमाउंट। अच्छा अब हमें करना क्या, ध्यान से देखो, यू नो वेरी वेल दैट 80C, 80CC, 80CC एंड 80CCD1 तीनों मिला के कितनी डिडक्शन मिलती है? 150। एंड इन एडिशन टू दिस, इफ एनएसएससी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनपीएफ, ओके, तो उसको 80CCD1B में एडिशनल डिडक्शन मिलती है ऑफ ₹50,000। सो यहाँ पर देखिए, 80C में टोटल आपको कितना अमाउंट देखना है? आपको 110,000 प्लस दिस 20,000, तो 80C में कितना जाएगा? 110। एंड 80CCD1 में कितना जाएगा? 20,000। 1B में जाएगा ही नहीं क्योंकि बचा ही नहीं उसके लिए अमाउंट, तो ठीक है। सो 80C में कितना जाएगा? 110। एंड 80CCD1 में कितना जाएगा? 20,000 प्लस 80CCD1A में कितना जाएगा, जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उसका कितना जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 20,000, ठीक है। तो जब हम इसको वहां पर आईटीए फाइल में करेंगे तो मैं आपको फिगर दिखाऊंगा कैसे फिल करेंगे। देन TDS बाय एम्प्लॉयर एज वेल एज बाय लॉटरी, जो अथॉरिटी है, एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स डिडक्ट किया है? 23 लाख, एंड लॉटरी 15,000। देन एसएससी हैज पेड सम एडवांस टैक्स, दैट इज 34,000, एंड ही हैज सम एसेट्स डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी, मोटर कार, कैश एंड सम लाइबिलिटी ऑल्सो, ओके। सो नाउ रेस्ट इज फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इन दिस वीडियो आई एम डूइंग ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आई आई होप आई विल क्लियर ऑल दिस डाउट, ऑल योर डाउट फ्रॉम दिस वीडियो, सो यू ऑल्सो फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली। नाउ फर्स्ट स्टेप इज, वी नीड टू क्लिक ऑन इनेबल एडिटिंग, देन क्लिक ऑन इनेबल कंटेंट, देन क्लिक ओके, एंड देन वी नीड टू मेक येस और नो एज पर आर नीड। सो देखिए, इनकम फॉर्म सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फॉर्म कैपिटल नहीं है, सो मेक इट नो। ट्वेल्व ए नहीं है, देखिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऐसा नहीं कि है ही नहीं आपके सिलेबस में, अभी मैंने क्वेश्चन में पुटअप नहीं किया बिकॉज अभी मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। देन नॉन रेजिडेंट से कोई भी कुछ भी नहीं है, सो अगेन मेक इट नो। अदर सोर्सेस यस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कुछ नहीं है, सो मेक इट नो। ऐसा नहीं है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आता नहीं है, आता है, अगेन आई एम नॉट पुटिंग ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एट वन टाइम बिकॉज अभी आपका सिर्फ स्टार्टिंग है, सो मेरे को आप पहले आपके में लाइक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ आप एक पहले बेसिक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लो, तब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पाओगे। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन नो, हेल्थ इंश्योरेंस अगेन नहीं है क्योंकि वो किसकी है? फादर लो मदर ले, मदर लो की, तो उसकी डिडक्शन मिलती नहीं है, सो डिडक्शन यहाँ पर इसको हम नील करेंगे, हमें चाहिए नहीं। 80G अगेन मेक इट नो, साइंटिफिक रिसर्च अगेन मेक इट नो, नो। चैप्टर 6A यस, स्पेसिफाइड पर्सन इनकम नो,
एग्जाम एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं कोई, सो इसको भी नो कर देंगे, नो। अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया एन इनकम, नो नो, कोई फॉरेन नेसेस तो है ही नहीं। पोर्टुगीज सिविल कोड, नो। डिटेल्स ऑफ एसएस एलबीटीएस, यस। एडवांस टैक्स, यस। टीडीएस, यस। टीसीएस नहीं है, टैक्स कलेक्ट तो कर नहीं रहा किसी से वो, सो इसको नो कर देते हैं। नाउ जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन नेक्स्ट। नाउ दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन पेज ऑफ दिस एससी। नेम क्या है, राम। लास्ट नेम सिंह। पैन नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, डबल ए के पी एम, ट्रिपल ए के पी एम, सॉरी डबल ए है, डबल ए के पी एम 9548F, देन एड्रेस डिटेल गिवन पूछ रहे हो, 412B, स्टेटस रेजिडेंट, सॉरी बाय मिस्टेक एच कैलकुलेट हो गए, मेक इट इंडिविजुअल। एरिया क्या है, लोकेलिटी का, रेलवे रोड, टाउन सिटी कन्नूर, डेट ऑफ बर्थ 07/07/1986, स्टेट केरला, पिन कोड 67000 3, एंड ईमेल एड्रेस rsingh@gmail.com, मोबाइल नंबर 9876543210। ओके नाउ हेयर आपको देखो चेंज करना है, 1394 बिलेटेड है ये, रिटर्न फाइल कर रहा है, सो यहाँ पर आपको चेंज करना है। देन यहाँ पर तो हमेशा आपको नो ही करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है, रेजिडेंट है, एंड देन कंडीशन बतानी है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो रेजिडेंशियल स्टेटस। इन द प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, ठीक है। देन नो रिप्रेजेंटेशन भरे, खुद ही भर रहे हैं। एनी डायरेक्टर, नो। अनलिस्टेड शेयर्स, नो। सो वी हैव फिनिश्ड दिस पेज, वैलिडेट, सो इट इज ओके। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, टाटा ओवरसीज कंप्यूटर लिमिटेड, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर अदर्स, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, 6G3/939393, सॉरी 6G3,
393 कनूर, स्टेट केरला, भारत पिन कोड 67001 2। Now come to the salary part. First one is basic salary, amounting rupees 86 lakh. Then HRA chargeable amount, that is 20,000. देखो क्लास यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या देखना है, चार्जेबल अमाउंट कितना है 20,000, एग्जेम्प्ट कितना है 9,000, तो मिला कितना होगा, मिला कितना होगा, दोनों को ऐड करके, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मिस्टेक से बचना है आपको, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ वो लिखना है, रिसीव अमाउंट लिखना है, चार्जेबल अमाउंट लिखना। चार्जेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, हम एच आर ए कैसे निकाल देते, अमाउंट जितना मिलता है माइनस कर देते एग्जाम से, तो वो चार्जेबल अमाउंट आ जाता, ठीक है। तो डिफरेंस आपको गिवन है, सो यहाँ पर आपको अब रिसीव्ड अमाउंट लिखना है, तो रिसीव कितना होगा 20,000, ठीक है। फिर हम एग्जाम माइनस कर देंगे, रेवेन्यू कितना बचेगा 20,000 ही बच जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या पर स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, सो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सो आपको देखना है अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर नहीं गिवन है देन यू नीड टू ऐड बोथ बोथ दिस अमाउंट। सो बोथ अमाउंट का सम कितना होगा 29,000, सेलेक्ट एच आर ए, रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव अमाउंट कितना है 29,000, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नीचे एग्जेम्प्ट में 9,000 कर देंगे, तो चार्जेबल अमाउंट कितना हुआ 20,000 ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन टैक्सेबल लीव सैलरी 6,000, देन कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर 12,000, नेक्स्ट एलटीसी रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर 34,000, देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिस अमाउंट इज फुल एग्जेम्प्ट। देखो पहले अमाउंट मिला होगा तभी तो एग्जेम्प्ट हुआ, सो पहले तो अमाउंट मिला होगा 22,400, वो तो लिखेंगे पहले हम। सो ऐड नेचर, सेलेक्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सॉरी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, then come to exemption allowance, exempt देखिए first कौन सा है, HRA का amount exempt कितना होगा 9,000, HRA देखिए कौन सा section आता है 13A में, ठीक है। लिखा देखो allowance to meet expenditure accrued on हाउस रेंट अमाउंटिंग रुपीज, एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना है 9,000। देन नेक्स्ट एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कन्वेंस अलाउंस 10-14 में, नेट इज 11,000। देखिए जो कन्वेंस अलाउंस वो कहां पर आता होगा 14-1 में, ठीक है, नेट इज 11,000। देन आफ्टर दिस आपको दो और रो चाहिए, दो रो चाहिए आपको,
one for LTC and one for children education allowance. So add row 2 and then click OK. So first आपका 10-14-2 का कर लेते हैं for children education allowance, that is 2400, and then 10-5 for LTC amounting rupees 34,000. That's it. Now after a standard deduction amount of 50,000, the taxable salary would be 85,77,000. Okay. Now I suggest to you class, you just write this amount in your notebook, 85,77,000. Okay. इससे क्या होगा, लाइक व्हेन वी पुट दिस अमाउंट ऑन, हम पुट करेंगे इसको हम नेक्स्ट में जब हम टीडीएस लिखेंगे तो आपको अमाउंट आपको याद रहेगा कि सैलरी का अमाउंट ये आएगा. नाउ वैलिडेट दिस शीट, शीट इज ओके, मूव टू नेक्स्ट, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी केस आ जा पाए. ठीक है, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी 115 AB, सो 115 AB टाउन और सिटी आई थिंक सेम ही है, दैट इज ओ कोची इस टाइम, कोची कोची, स्टेट इज केरला. पिन कोड ऑफ द प्रॉपर्टी इट्स 682901. ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, को ऑन्ड नो. टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट. नेम ऑफ द टेनेंट टी मैथ्यू. देन देर इज नो दिस इंफॉर्मेशन, पैन गिवन नहीं है, आधार गिवन नहीं है, सो लीव ऑल दिस सेल्स. ग्रोस अमाउंट रिसीव्ड, रेंट कितना है 21,40,000. ओह कितना बड़ा अमाउंट है, 21,40,000. देन म्युनिसिपल टैक्स पेड, दैट इज 80,000. Then interest on borrowed capital 5,10,000. Now the total amount of chargeable under income from house property, that is 9,32,000. Again you just write this amount in your notebook, that is 9,32,000 from house property. Validate the sheet, sheet is okay, go to next. Income from other sources. Income from saving bank interest 1,32,930. Then received jewelry from a friend as gift, market value 80,000. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, any kind of gift received from a friend. And if the total amount of that market value is more than 50,000, then the total amount, total market value of such gift will be taxable in the hand of recipient. ठीक है, so यहाँ पे आपका आएगा, देखिए ये तो है आपका एग्री वैल्यू ऑफ मनी, मनी तो रिसीव की नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर लैंड में बिल्डिंग की बात करी है. सर थर्ड केस में भी लैंड में बिल्डिंग की बात करी है. फोर्थ में देखिए क्या लिखा है, इन एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू. यहाँ पर लिखा हो गया अमाउंट कितना 80,000 विदाउट कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन हो तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं फिफ्थ में. ठीक है, सो 80,000 यहाँ पर आ गई गिफ्ट में. नेक्स्ट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टीडीएस अमाउंट
30% कट के कितना मिला, 35,000। तो ग्रोस अमाउंट कितना होगा, 50,000। तो देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। कम डाउन एंड देन सी दिस सीरियल नंबर टू। यहाँ पर आपको फिल करना है ए पार्ट में, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 VB अमाउंटिंग रुपीज ग्रोस अमाउंट दैट इज 50,000। ओके, बट वन मोर थिंग, लास्ट में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपने किस क्वार्टर में या एस एस सी ने किस क्वार्टर में इसको विन अमाउंट मिला। बट आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ डेट गिवन नहीं है कि इसको विनिंग फ्रॉम लॉटरी कौन से डेट को हुआ, ठीक है। अगर डेट गिवन होगी देन वी विल सी कि वो डेट जो कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो हम उसी क्वार्टर में लिखेंगे। कुछ गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि वो मार्च में ही मिला क्वार्टर में, तो मैं 50,000 अमाउंट यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, दैट्स इट। एंड देन वैलिडेट द शीट, शीट इज ओके, एंड देन सेलेक्ट नेक्स्ट। नथिंग टू डू विद दिस शीट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। एंड चैप्टर 6 है, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। सो इट यहाँ तो आपको नो ही करना, हमेशा आपको मैंने आपको बताया था कि ये केस आपका सिर्फ एक इसी साल के लिए ऑप्शन गिवन था कि जिसने भी कोविड के की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, सो उसके लिए 3 महीने का उसको एक ग्रोथ एक्सटेंशन पीरियड देता कि वो 2020 से जून 2020 तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो प्रीवियस ईयर में भी ले सकता है, ठीक है। मीन्स जो नहीं कर पाया वो कर सकता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ गिविंग नहीं, तो हमेशा आप इसको नो ही करके चलो, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पी देखिए, ATC में अमाउंट कितना आएगा, 110 प्लस कितना आएगा, ATCCD1 में कितना आएगा, पूरा ही आएगा, दैट इज 20,000। याद रखना ये अमाउंट हम नहीं लिखेंगे NSA का, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट कब की है, 2017 में, नॉट इन 2020, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहां पर आप क्या करोगे, 110 ATC में, ठीक है, देन 80 CCD1 में लेके जाओगे, कितना अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट 20,000 हो जाएगा। एंड दिस सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन क्या था एम्प्लॉयर का, तो 20,000 यहाँ लिखोगे, दैट्स इट, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया इसकी कैसे करना है, अगर आपको पेपर में नोटबुक में करके करके दिखना है कैसा है तो आप देख सकते हो। ओके, सो वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो कि बच्चे भूल जाते हैं, कि आपको 80 सेक्शन TTA में जाकर इसकी डिडक्शन लेनी है। दैट मीन्स पहले वो अमाउंट लिख दो जितना सेविंग इंटरेस्ट से मिला, कितना मिला था, 1,32,930, 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, दैट मीन्स टोटल डिडक्शन अमाउंट कितना हुआ, 2,82,930। नाउ वैलिडेट द शीट, शीट इज ओके, देन मूव टू नेक्स्ट। ये क्या है, अच्छा ये गलती से आई थिंक मैंने इसको यस कर दिया था, कोई नहीं, आप इसको नेक्स्ट कर दो। आप पूछे नाउ डू यू हैव एनी इमोबल प्रॉपर्टी, यस, हाउस प्रॉपर्टी उसके पास। डिस्क्रिप्शन हाउस प्रॉपर्टी, एड्रेस क्या गिवन है, देखिए 37/34/7 जगतपुरी, टाउन सिटी कोची, स्टेट केरला, पिन कोड 67001 2, अमाउंट कॉस्ट कितना है, 70 लाख। नाउ मूवेबल एसेट्स, आपको इसके लिए मैंने बताया इफ एनी एसएससी डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट जस्ट पुट जीरो अमाउंट। ज्वेलरी नहीं है सो जस्ट पुट अमाउंट जीरो। ज्वेलरी है नहीं, यस मोटर कार है उसके पास। आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चन जीरो,
व्हीकल्स है मोटर कार उसके पास 6,50,000, बैंक बैलेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, लोन एडवांस उसने किसी को नहीं दिया, कैश इन हैंड 2,03,000, लायबिलिटी है 2,000 की, नाउ वैलिडेट शी शीट, शीट इज ओके, क्लिक नेक्स्ट, नाउ यू जस्ट नीड टू ड्रॉप डाउन टू नीचे आइए, वी नीड टू फाइल ओनली द बैंक डिटेल्स, सो बैंक डिटेल्स देख लेते हैं क्या है, SBI बैंक, IFS कोड SBIN 000,6521, SBIN 000,6521, नो एंड देन फिल द अकाउंट नंबर 7126712365479549549 4, नाइन फोर फाइव सॉरी एंड देन क्लिक टिक कर दो उसको रिफंड के लिए, देन सबसे नीचे आइए, इसको आपको हमेशा नो करना है, आउट साइड तो कोई एसेट है ही नहीं या कुछ नहीं है, जस्ट मेक इट नो एंड देन वैलिडेट द शीट, ओके नेक्स्ट, यस ready to advance tax, information is given to you, BSI code 0004816, date 3/3/20, serial number of the challan 00146, amount in rupees 34,000. That's it. Validate. Sheet is okay. Next is related to TDS. Tax related to by employer. Uska 10 number RTKA. RTKA. 88760A, 88760A, name of the player Tata Purnamdara, Tata Overseas Computer Limited, income from chargeable salary amount आपने लिखा था, that is 85,77,000, TDS कितना कट गया 23 लाख, then next TDS किसका कटा था from the lottery authority, 10 नंबर उसका क्या है RTKA 49512E, 49512E फाइनेंशियल ईयर 2018 में, फिर उसका हम नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कितना अमाउंट आपका टैक्स कटा था अमाउंटिंग रुपीज 15,000, ठीक है, टैब टैब 15,000, ग्रोस अमाउंट 50,000, इनकम फ्रॉम विच हेड अदर सोर्सेज एंड देन नाउ वैलिडेट दिस शीट, शीट इज ओके, देन मूव टू नेक्स्ट, फादर नेम क्या था,
अमर सिंह, सेल्फ, रेस्ट इज फाइन, नाउ वैलिडेट द शीट, प्लीज एंटर पैन ऑफ द एसएससी इन शेड्यूल वैकेंस, पैन नंबर ओके पैन नंबर AAKPM 954 8F validate. Sheet is okay. Now directly jump to part B TTI. Click on calculate tax. Click on validate and then click calculate tax. Please select an option from the drop down in it. Okay. Actually, student, go to home page and select. You just need to make it yes. Yes, karna hi padega usko, because without this, we can't calculate tax. And then apply and then go to 80D sheet just to make it no. And then lastly, go to part B sheet again, validate and then again calculate tax. Now this is fine. Now you can check income from salary 85,77,000. House property, income from other sources, okay, and this is a special income, and this is the interest for default of advance tax, okay, furnishing return, okay, that is fine, advance tax 34,000. Okay, now the total tax liability is 8,24,600. Okay, so this is the final answer. Now just go to generate XML file. Okay, and then click on save XML file. Make sure you need to see the path location of that file. Okay, आपको ये search करना है. Now just click on OK. Now finally we have completed this question. I hope you have understood very well, and we will do some more practice question on this ITR filing.